नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल सिंह नेगी और मेरे YouTube चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी तक मैंने आप लोगों को जो पहले वीडियो दिए थे उसमें मैंने आप लोगों को वर्बल रीजनिंग के बारे में बताया था। आज मैं आपको थोड़ा सा नॉन वर्बल रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। सर देखिए, नॉन वर्बल का मतलब होता है जी अभाषिक तर्क शक्ति। तो नॉन वर्बल में क्या होता है सर, नॉन वर्बल में बहुत ज्यादा फिक्स रूल नहीं होते हैं। नॉन वर्बल में क्या होता है कि हमें कुछ आकृतियां दी होती हैं और हमने उन्हीं आकृतियों को देखना होता है और उन आकृतियों को देखने के बाद हमें यह पता लगाना होता है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है उन आकृतियों में और उसके हिसाब से ही मुझे आगे आंसर बताना होता है। तो पेपर में मुझे क्वेश्चंस दिया होता है, उसमें कुछ आकृतियां बनी होती हैं और फिर नीचे आंसर फिगर में मुझे चार ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से मुझे अपना आंसर टिक करना होता है। तो सर देखिएगा, नॉन वर्बल में हमारा आज का टॉपिक है जी एनालॉगी। एनालॉगी को बोला जाता है सादृश्यता। अब एनालॉगी का जो रूल है सर, वर्बल रीजनिंग में एनालॉगी का जो रूल है, नॉन वर्बल रीजनिंग में भी रूल वही रहता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए मुझे पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्वेश्चन मार्क, ए रेशियो बी प्रोपोर्शन सी रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो सर मुझे क्या करना होता है, देखिए ध्यान से, मुझे देखना होता है कि ए से मेरा बी कैसे आया या ए से बी में क्या चेंजेस हुए या ए से बी में क्या हो रहा है और वह लॉजिक मैं ध्यान से समझूंगा और जब मुझे वह लॉजिक समझ में आ जाएगा तो वही लॉजिक मैं आगे सी से डी में लगाऊंगा और मैं अपना आंसर बताऊंगा। अब देखिए सर ध्यान से देखिएगा, अब इसमें कुछ वर्ड नहीं लिखे होते हैं, फिगर होती है तो हमें फिगर्स को ध्यान से देखना होता है। अब मान लीजिए ये है फिगर नंबर ए रेशो फिगर नंबर बी। अब मुझे आकृतियों को देखना है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब सर अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो देखिए इसमें अंदर एक आकृति है ट्राइंगल त्रिभुज और बाहर आकृति है जी वर्ग जिसे बोलते हैं स्क्वायर। तो अंदर ट्राइंगल है और बाहर स्क्वायर है और देखिए ए से बी में क्या हो जाता है, जो अंदर वाली आकृति है वो बाहर आ जाती है और बाहर वाली आकृति उसके अंदर आ जाती है। तो मुझे पता लगा कि ए से बी में ये हो रहा है। फिर अब मुझे बताना है कि सी से मेरा डी कैसे आएगा। तो सर वही लॉजिक मैं यहाँ लगाऊंगा, तो वही लॉजिक अगर मेरा यहाँ लगेगा तो सर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पर अंदर वाली आकृति बाहर आ गई है तो यहाँ पर मुझे अंदर क्या दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, एक वर्ग दिया हुआ है, तो उसे मैं बाहर कर दूंगा जी। तो मेरे आंसर फिगर में क्या होगा जी, स्क्वायर मेरा बाहर आएगा और जैसे यहाँ पर बाहर वाली आकृति उसके अंदर चली गई है तो वैसे यहाँ पर बाहर जो मुझे एक सर्कल एक वृत्त दिया हुआ है वो उसके अंदर चला जाएगा। तो मेरा जो फाइनल आंसर आया सर वो आया एक स्क्वायर के अंदर एक सर्कल और चार ऑप्शन में से मैं इस आंसर पर टिक करूंगा। तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आंसर आया जी दिस, जो मुझे ए से बी का लॉजिक देखने के बाद पता लगा। देन आते हैं सर क्वेश्चन नंबर दो पर। अब क्वेश्चन नंबर दो में देखिए ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है, देन उसके बाद ये एक पॉलीगन दिया हुआ है, मतलब मुझे एक त्रिभुज दिया हुआ है और त्रिभुज के बाद मुझे एक पंचभुज दिया हुआ है। सर लॉजिक वही है, मुझे ए से बी का पता लगाना है कि ए से बी कैसे बना। अगर देखिए अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूं तो सर देखिए यहाँ पर 1 2 और 3, यहाँ पर थ्री लाइंस हैं, ये वाली आकृति तीन भुजाओं से मिलकर के बनी है और यहाँ पर क्या हो जाता है सर 1 2 3 4 5, यहाँ पर तीन से भुजाएं कितनी होती है 5, 3 से और 5 लाइंस, तो कितना 3 से 5 में सर 2 लाइंस बढ़ गई हैं। ठीक है जी, अब यही लॉजिक अगर मैं यहाँ लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो मुझे फिगर दी गई है, यहाँ पर मुझे एक स्क्वायर एक वर्ग दिया गया है, उसमें चार रेखाएं हैं चार लाइंस हैं। तो अगर यही लॉजिक की 2 लाइंस आगे बढ़ती है मेरे पास तो क्या हो जाएगा, जो मेरे पास नेक्स्ट फिगर यहाँ पर आएगी वो आएगी सर 6 लाइंस वाली। ठीक है जी, तो 6 लाइन वाली फिगर कैसी आएगी जी, 1 2 3 4 5 और 6, तो मेरा आंसर आएगा जी हेक्सागन षटभुज। जैसे त्रिभुज से पंचभुज बना 2 लाइन पड़ी वैसी वर्ग से मेरा बनेगा जी षटभुज। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सर ये, तो मैं चार ऑप्शन में से इस आंसर पर टिक लगाऊंगा सेकंड क्वेश्चन के लिए। देन फिर आता हूं सर मैं थर्ड क्वेश्चन पर। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक फिगर मुझे ये दी गई है, देन बी में मुझे फिगर दी गई है। अब अगर मैं यहाँ पर लॉजिक देखता हूँ तो सर ध्यान से देखिए यहाँ पर लॉजिक क्या बन रहा है, यहाँ पर लॉजिक ये बन रहा है कि अगर एक आकृति ऐसी है तो वो ऐसे पलट जाती है, बाएं से दाएं हो जाती है। अब यही लॉजिक अगर मैं आगे लगाता हूँ तो ये मेरी आकृति है तो ये भी बाएं से दाएं पलटेगी, तो अगर इसे मैं यहाँ देखूंगा तो आंसर फिगर सर मेरी क्या बनेगी, देखिए ये अगर ऐसे पलटती है तो क्या होता है जी, ये ऐसे और ये ऐसे, तो मेरा आंसर आएगा जी ये वाली फिगर। तो चार ऑप्शन में से मैं इस ऑप्शन पर टिक करूंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। फिर सर आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर चार पर। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में मेरे पास चार फिगर बनी हुई है, ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास चार फिगर बनी हुई है। अब लॉजिक वही है जी, मैं देखूंगा ए से बी में क्या हो रहा है। देखिए यहां पर ये चार रेखाएं थी और अगर मैं यहां पर देखता हूं, ये रेखा ऊपर थी ऊपर से नीचे हो रही है,
ये ऊपर था, ये भी एरो नीचे हो रहा है, ये भी ऊपर था, ये भी नीचे हो रहा है, ये भी ऊपर था, ये नीचे हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उसका ऑपोजिट हो रहा है, जो अप को था वो डाउन जा रहा है। तो अब अप वाला डाउन या डाउन वाला अप, ठीक है जी। अब यही रिलेशन अगर मैं आगे लगाता हूँ तो क्या होगा, ये इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है मेरे पास, इसमें क्या है जी, सारी की सारी ये जो डिजाइन बने हुए सारे नीचे को है, तो इसे अगर मैं आंसर फिगर में देखूंगा तो क्या होगा सर, मेरे ये सारे के सारे डिजाइन क्या होंगे सर, ऊपर ऊपर आ जाएंगे। वही लॉजिक मेरा यहाँ पर लगेगा। तो देखिए पहले एरो नीचे को है तो ये एरो मेरा ऊपर को आ जाएगा, फिर ये वाला सिंबल मेरा नीचे को है, ये वाला सिंबल भी मेरा ऊपर को आ जाएगा ऐसे, फिर ये एक और एरो मेरा नीचे को लगा हुआ है तो सर ये वाला एरो भी मेरा ऊपर को आ जाएगा, और एक और फिगर जो मेरी ये नीचे को है ये भी मेरी क्या हो जाएगी सर, ऐसे ऊपर को आ जाएगी। तो चार ऑप्शन में से मैं ये वाले आंसर पर टिक करूंगा। तो सर इसके लिए मेरा आंसर क्या होगा जी, क्वेश्चन नंबर चार के लिए मेरा आंसर होगा जी ये, ठीक है सर। देखिए फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर पांच पर। अब क्वेश्चन नंबर पांच में मेरे को ये दिया हुआ है जी, इसमें ये दो फिगर दिए हैं हाफ हाफ और बी में ये दिया हुआ है। देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूँ तो लॉजिक वही है कि ए से बी में क्या हो रहा है। देखिए सर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इस वाले पार्ट को राइट पार्ट और इसको लेफ्ट पार्ट बोलूँ तो क्या होता है, मान लीजिए मेरा राइट पार्ट ऐसे ही है और लेफ्ट पार्ट को मैं उसके इधर ले आया तो मैंने दोनों को जोड़ करके मेरी ये फिगर कंप्लीट होगी। तो यही लॉजिक मैं यहाँ लगाऊंगा तो इन दोनों को जोड़ करके एक फिगर कंप्लीट होगी, देन क्या होगा जी, ये मेरा राइट पार्ट है, दाया भाग इसको मैंने यहाँ ऐसे ही रहने दिया, और ये जो मेरा लेफ्ट वाला पार्ट है बाया भाग इसको मैं उधर ले गया और उसी के साथ मैंने इसको जोड़ दिया, तो इनको मिला करके मेरी ये फिगर कंप्लीट हो गई। तो चार ऑप्शन में से मैं इस वाली ऑप्शन पर टिक करूंगा। तो सर पेपर में एनालॉजी के रिगार्डिंग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं सर, लॉजिक एक ही है कि ए से बी का रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और हम देखेंगे कि ए से बी कैसे बना है, और वही रिलेशन हम सी से डी में लगाएंगे और ध्यान से देख करके हम बताएंगे कि मेरा आंसर क्या है, और मैं चार ऑप्शन आंसर्स को टिक करूंगा। तो सर ये था मेरा नॉन वर्बल में एनालॉजी। तो सर आप लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने मेरा ये वीडियो देखना है और आपने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोगों ने क्या करना है सर, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर करना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद।